ऑलराइट, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फिर तो बहुत ही ज्यादा बॉम्ब होने वाला है क्योंकि अपन आ चुके हैं मुंबई में। आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था कि मैं मुंबई जाने वाला हूँ, मुंबई से मेरा आगे का ट्रेन है। तो वो कहाँ गया वो आपको इस ब्लॉग के एंड तो पक्का पता चली जाएगा, ठीक है। तो चलो अपन आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पीछे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ठीक है। तो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, तो अभी कुछ कुछ करेंगे अपन। अपने पास यहाँ पे 5 घंटे का टाइम है, ठीक है। तो अभी आगे का देखते सीन क्या होता है। इस चीज़ को ना मतलब कितनी बार हम लोग टीवी में देखे हैं ना, मूवीज़ में देखे हैं, और आज सामने से पहली बार देख रहा हूँ तो आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा भाई, सही बोल रहा हूँ। लेकिन कहीं भी जाने से पहले आप लोगों को एक बात बताता हूँ। मैं एक्चुअली प्लेटफॉर्म नंबर 18 पे उतरा, ठीक है, यहाँ पे। अब उसके बाद मेरे को पता नहीं था कि ये जो व्यू है ये कहाँ से दिखता है। तो मतलब मैं स्टेशन के 4 बजे से गोल 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 घुमा हूँ ना, तो 1 घंटा लगा मेरे को ढूंढने में। तो थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे देना चाहिए इसको, आप लोग को भी। वीडियो को लाइक करना, ठीक है, चलो। भाई यहाँ पे इतना मज़ा आ रहा है ना, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। रात के लिटरली अभी ना 2:30 बज गए हैं, और आज से पहले तो मैं तो कभी 2:30 बजे पहली बार ब्लॉग किया नहीं था। फर्स्ट टाइम है कि मैं 2:30 बजे ब्लॉग कर रहा हूँ, और इतना एनर्जेटिक फील हो रहा है यहाँ पे। मतलब ऐसा नहीं कि पूरा रोड खाली, आपको मैं एक बार दिखाता हूँ कि यहाँ पे भीड़ कितना है रात को। देखो देखो भाई, ये मरीन ड्राइव के सामने का रोड है, और यहाँ पे इस टाइम पे भी कितना ज़्यादा भीड़ हो, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रात के 2:30 बजे। तो चलो अभी थोड़ी देर बैठते हैं और यहाँ पे चिलैक्स करते हैं अपन, क्योंकि मुंबई है भाई, तो बैठ के यहाँ पे टाइम स्पेंड करना तो बनता ही है। चलो बैठते थोड़ी देर। अभी यहाँ पर रात हो गई है करके ना, यहाँ पे सारे लोगों को अभी यहाँ से हटा रहे हैं। ये पूरा मरीन ड्राइव जो है खाली कर रहे हैं। यहाँ पे पुलिस वाले भी आ चुके हैं, आप लोग देख रहे हो। तो अभी ये वैनिटी मैन भी है यहाँ पे, कोई तो भी सेलिब्रिटी आया लग रहा मेरे को। लेकिन यहाँ पे गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं खड़े होते, सब गाड़ी को भी हटा दे रहे हैं यहाँ से, पता नहीं क्यों। हो सकता है सेलिब्रिटी हो कोई। तो भाई ये बात तो ऑब्वियस है कि एक रात में कोई पूरा मुंबई घूम नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ मैं CSMT रेलवे स्टेशन के पास में था, तो यहाँ सबसे पास में मरीन ड्राइव पड़ा मेरे को। तो मैं सोचा अब रात में आधी रात में कहाँ जाएंगे भाई 2-3 बजे। तो मैं सोचा 12 बजे चलते हैं मरीन ड्राइव, वहाँ से भी क्योंकि पुलिस भगाने लगता है ना, फिर ऐसा मैटर होता है। तो मैं सोचा कि चलो वहीं चलते हैं, इसलिए अपन बस वहीं का वीडियो बनाए। नहीं नहीं मड़गांव अकेला मैं हूँ, तो लोग पूछ रहे हैं कहाँ जा रहे ट्रेन भाई, भूत दूध समझ ले रहे मेरे को। चलो छोड़ो, तो मैं सोचा कि मरीन ड्राइव पे वीडियो बनाते हैं, वहीं चलते हैं, वहीं से थोड़ा सा फ्लेक्स करके आ जाते हैं। और कहाँ जा रहा हूँ आपको अभी फाइनली बता देता हूँ मैं। तो मेरे को जाना है गोवा, ठीक है। तो वहाँ के लिए मेरा ट्रेन है 5:10 में मुंबई से। तो अभी मुंबई में अपन वेट किया, पूरा घूमे अच्छे से। तो अभी गोवा जाना है, गोवा जाने के लिए मैं ट्रेन में आके अंदर बैठ चुका हूँ, ठीक है। तो ये ट्रेन है जनशताब्दी है, तो इसमें हम लोग को जाना है।
तो अभी एक्साइटमेंट टू द नेक्स्ट लेवल है भाई। नींद नहीं आ रहा है मेरे को मालूम, मैं रात भर मतलब घूम रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, मेरे को नींद ही नहीं आ रहा, इतना एक्साइटमेंट हो गया अभी जिंदगी। और गोवा जा किस ले रहा हूँ वो आपको अगले वीडियो में पता चलेगा, ठीक है। जब वहाँ मैं पहुँच जाऊँगा ना, मतलब कल शाम को, आज ही शाम को 4 बजे मैं पहुँच जाऊँगा, ठीक है। तो अब वो वाला व्लॉग जब मैं स्टार्ट करूँगा सुबह को ना, अभी तो सोऊंगा यहाँ पे ट्रेन में थोड़ी देर, क्योंकि रेस्ट करना भी ज़रूरी है ना, और चेयर कार है मेरा इस बार तो बैठ के जाना पड़ेगा पूरा। चलो कोई बात नहीं, बैठे बैठे सोएंगे अपन, जैसे हो सके वैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। तो वहाँ जा क्यों रहा हूँ आपको नेक्स्ट लोगों के पास चलेगा, ठीक है। तो बस क्या, बाय द वे आप लोग देख सकते हो कि पूरी की पूरी ट्रेन जो है खाली है, मैं ही अकेले आके यहाँ पे बैठा हूँ। और ऐसा इसलिए क्योंकि मैं बहुत पहले आ गया हूँ, अभी बज रहे हैं 4:15 हो रहा है अभी, सॉरी 4:30 हो रहा है अभी, तो मैं बहुत पहले से आके बैठ गया और कोई आया नहीं। आगे जो स्टेशन आएगा उस समय शायद लोग आके बैठेंगे, तो फिलहाल मैं अपना लगेज यहाँ दोनों ऊपर रख दिया हूँ, और ये विंडो साइड वाली मेरी सीट है, तो सोएंगे हम लोग अब। तो चलो मेरे को भी अभी थोड़ी सी नींद आ रही है, नींद कर लेते हैं और थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, ताकि अपन आराम से अच्छे से वहाँ पे पहुँच के करते हैं आगे। तो अब अगला व्लॉग जो होगा वो और एक्साइटिंग होने वाला है, तो मतलब मैं, मेरे से सब्र नहीं होता, मैं सोचता हूँ बता दूँ लेकिन अगले व्लॉग में, ठीक है। तो चलो अपन इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं ऐसी किसी अगली में दारू, तब तक के लिए पीस आउट। अंदर से खुशी आ रही है कि गोवा में हूँ, मैं गोवा में हूँ भाई, ऐसा करके।